नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिमाग में, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर फोकस करना है अपने पर्सन के ऊपर। जानते हैं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। एट ऑफ वॉन्ड्स, बात करना चाहते आप, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं वो आपके पास आना, बात करने को मन बहुत कर रहा है उनका। ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं आपके पर्सन। देखो, मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो अपने दिल की बात रखना चाहते हैं आपके सामने। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम में। आपके पर्सन के जहन में जो आपने दोनों ने एक दूसरे के साथ बातें की हैं, जब आप अकेले में मिले थे या कहीं भी आप जब घूमने के लिए गए थे, और जो बातें आप दोनों के बीच में हुई है, जो प्यारी प्यारी बातें, ठीक है, दोनों के बीच में हुई है, आपके पर्सन उन बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी राशि है, आपके पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अपने दिल की जो भी फीलिंग्स है वो आपके सामने शेयर करें, वो आपसे मुलाकात करें, जल्द से जल्द करें, ठीक है। तो अब कप्स की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी राशि हो सकती है। आप में हो सकता है किसी ने टैटू निकाला है, कोई छोटा सा टैटू बना है, ऐसा हो सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते कहीं आप शाम के समय मिले हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, आपके पर्सन को म्यूजिक का बहुत शौक है, आपके पर्सन गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं, या इस वक्त वो आपके पसंद का कोई गाना सुन रहे हैं। आंखें बंद करके इंसान आपको इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। म्यूजिक लवर हो सकते हैं आपके पर्सन, या कुछ सीख रहे हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है। और क्या है देखते हैं, इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है, क्या है उनके दिल का हाल आपके लिए। ये हुई ना बात, दिल की बात रखना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, इस इंसान ने कुछ बातें रोक ली थी अपने दिल में, ठीक है, कंट्रोल कर रहे थे बहुत दिनों से, कुछ बोलना चाहते, कंट्रोल कर रहे थे अपने आप की फीलिंग्स के ऊपर, स्टक एनर्जी में चले गए थे। बोलना तो है लेकिन जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करना, आपके पास आने से खुद को रोकना, ऐसी कुछ बातें घटित हो रही थी। राशि वापस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके पर्सन के दिल में, वो चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग, वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आने वाले समय में आपके लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट खरीद सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, भले उसकी कीमत कम हो लेकिन आपके लिए वो बहुत कीमती साबित होने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन की विश है इस रिश्ते में आगे बढ़ना, डेफिनेटली। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि ये इंसान अब तक दो राय पर खड़ा था, ठीक है, दो दो थॉट्स चल रहे थे, लेकिन अब इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप ही उसकी दुनिया हो, वो आपके बिना अधूरा है, नहीं रह पाएगा वो आपके बिना, चाहे कितना भी खुद को कंट्रोल कर ले, कैसे भी कुछ भी खुद को मनाने की कोशिश कर ले, आपसे दूर रखने की कोशिश कर ले अपने आप को, वो आपसे दूर नहीं रह सकता। दी वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि हो सकता है कि आप पहली बार जब मुलाकात हुई आप ऑनलाइन बात करते थे, हो सकता है किसी किसी के लिए आपकी मुलाकात ही ऑनलाइन हुई थी, या किसी किसी के लिए हो सकता है आप इतनी ज़्यादा ऑनलाइन बातें करते थे एक दूसरे के साथ कि वो एक आदत सी लगी है, आपसे बात करने का एडिक्शन है इस इंसान को, नहीं रह पाते हैं आपके बिना, आप इस इंसान की दुनिया बन चुके हो, ठीक है, और ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। ये जो आपका पार्टनर है, आपको बहुत एक ऐसा भी सपना हो सकता है इंसान का कि वो आपको दुनिया घुमाए, या ये आपके साथ दुनिया घूमने के सपने बहुत देखता रहता है अक्सर, और वो चाहता है कि वो सपने पूरे हो जाए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन के शिफ्ट होना चाहते हैं, परदेश जाना चाहते हैं, इनका सपना है परदेश जाना। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन जॉब चेंज करना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, और कोई साइकिल जो रिपीट रिपीट हो रही थी इस रिश्ते में, वो साइकिल अब कंप्लीट होने वाली है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि जैसे होता है ना कि एक कंप्लीशन आते आते रुकता था, ठीक है,
रिकंसिलेशन के योग तो डेफिनेटली है यहाँ पर, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं कि जैसे कि पजल का आखिरी टुकड़ा इंसान अपने हाथ में पकड़ कर रखा था कि वो कंप्लीशन नहीं कर रहा था, सब कुछ बनी बने बातें बिगड़ रही थी, ऐसा हो सकता है तो कंप्लीशन जरूर आएगा इस रिश्ते में। आपके पर्सन दूर की बहुत सोचते हैं, मतलब एक साल बाद क्या होगा, दो साल बाद क्या होगा, अच्छी बात है, दूर की सोचना अच्छी भी बात है, लेकिन दूर की सोचते सोचते या पास्ट की सोचते सोचते ये इंसान ये जो जो प्रेजेंट है उसको भूल जाते हैं, उसमें खुश रहना भूल जाते हैं, आपको टाइम देना भूल जाते हैं, हमेशा एक तो पास्ट में सोचते रहते कि क्या बुरा हुआ क्या गलत हुआ, एक तो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते कि क्या होगा, तो इस कश्मकश में इंसान आपको समय देना भूल जाता है, आपको खुश करना भूल जाता है। लेकिन अभी इस वक्त आपके पर्सन की विश है कि वो फ्रेश न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते की करना चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटाकल्स भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, वो आपको देखो नाइट ऑफ कप्स भी है, ऑफर करना चाहते हैं जिसमें इमोशंस भी है, प्यार है भर भर के, कोई गिफ्ट भी खरीदना चाहते हैं आपके लिए, और जबरदस्त अट्रैक्शन है, गजब का अट्रैक्शन है आपके लिए, आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है एरीज लियो सैजिटस राशि हो सकती है उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की जो दुनिया है वो इनकम्प्लीट है, आपके बिना नहीं हो सकती पूरी आपके बिना दुनिया, भले इंसान अक्कड़ दिखाए आपसे दूर भागे, हो सकता है कुछ लोग आप ऐसे कि इस इंसान ने आपको इग्नोर बहुत किया है पास्ट में और आज इस इंसान को एहसास हो रहा है कि उसकी दुनिया में कुछ कमी है, उसकी दुनिया आपके बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती, चाहे सब कुछ हो उसके पास लेकिन अगर आप नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपका जो खूबसूरत दिखना है इस इंसान के ऊपर जादू कर रहा है। ठीक है, इस इंसान की दुनिया आपके बिना अधूरी है, ये पर्सन आपके साथ हैप्पीनेस देखता है, एक ब्राइट फ्यूचर देखता है, वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, ना कि सिर्फ आगे बढ़ना चाहता है तो आपके साथ वो अपना एक खूबसूरत परिवार भी देख रहा है। ठीक है, शादी करना चाहता है आपसे और एक ब्राइट फ्यूचर, उसको पता है कि अगर आप दोनों की शादी होगी तो वो जिंदगी भर खुश रहेगा आपके साथ। ठीक है, और एक पैशनेट बहुत है आपके पर्सन आपके लिए, बहुत पैशनेट है। कुछ लोग तो आप ऐसे कि घमंड बहुत दिखाते हैं, हो सकता है घमंड की वजह से ऑफर नहीं कर पाए आपको, ऐसा हो सकता है, हर वक्त ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत इमोशनल हो, ये इंसान भी आपसे प्यार करता है लेकिन इसमें अकड़ है, घमंड है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, एक कार्ड मिल चुका है हमें, देखो ये कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आपके पर्सन बहुत ड्रीम कर रहे हैं शादी को लेकर, आपको लेकर, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, नहीं रह सकते आपके बिना, एक खूबसूरत परिवार चाहते हैं वो। ठीक है, कुछ लोग तो शादीशुदा भी हो सकते फिर भी अलग हो, तो एक होना चाहते हैं। उस इंसान को एक बात समझ में आ रही कि वो अकड़ दिखाता रहेगा तो वो अकेला रह जाएगा, तो उसको अपनी अकड़ को साइड में करना पड़ेगा और खुले दिल से अपने दिल की बात आपसे बोलनी होगी। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, और देखो इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रख दिया और अब देखो आपके बिना कितना अकेला पड़ चुका है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अगर इसका परिवार नहीं मान रहा है शादी के लिए तो आपके पर्सन लड़ना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं शादी के लिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि परिवार का कोई इशू हो सकता है, तो आपके पर्सन पूरी हिम्मत के साथ लड़ना चाहते हैं खुद के लिए, अपने प्यार के लिए। ठीक है, फाइव ऑफ पेंटाकल्स के लिए जहाँ पर बता रहे कि आपके पर्सन को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, कुछ प्रॉब्लम कुछ दिक्कतें चल रही हैं उनके लाइफ में, कुछ चैलेंजेस हैं, अकेले बहुत पड़ गए हैं और आपके सपोर्ट की बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उनको समझोगे, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे उनके साथ। ये जो एनर्जी आई है गाइस, सैड है आपके पर्सन, अकेलापन बहुत आया है और इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब आप दोनों एक साथ होंगे, वो दिन कब आएगा जब आप दोनों की शादी होगी। ठीक है, आपके लिए आपके पर्सन लड़ेंगे, स्टैंड लेंगे, अगर आपके पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, एरीज लियो सैजिटस टॉरस वर्को कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी, और क्या है देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे
सबसे पहले खुद को हील करना जरूरी है। गिविंग एंड रिसीविंग बैलेंस होने वाला है गाइस, जो आपने दिया है वही लौट कर आएगा आपके पास। आपकी सुनने की क्षमता कम है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बोलते बहुत ज्यादा हो सुनते बहुत कम हो, सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है, सुनना तो पड़ेगा। गिविंग एंड रिसीविंग यहाँ पर यह है कि कुछ बैलेंस होने वाला है आपके जीवन में, खुद को हील करना शुरू कर दो आप, बहुत जरूरत है खुद को हील करने की, ठीक है। नंबर सिक्स यहाँ पर दो बार आया है, 666666 शायद आजकल आपको दिखाई दे रहा हो, ऐसे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो जरूरत है आपको कुछ दान करने की, कुछ चैरिटी करने की। सफेद चीजों का आप दान कर सकते हो, शक्कर घी ऐसे चीजें दान करो ऐसे लोगों को जिनको सच में जरूरत है, ऐसे लोगों को मत करो जिनको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिनको सच में जरूरत है ऐसे लोगों को कुछ खाने पीने की चीजें दान कर सकते हो, कपड़े दान कर सकते हो सफेद कलर के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी है गिविंग एंड रिसीविंग बैलेंस होने वाला है, जो आपने दिया है वो लौट कर आएगा आपके पास, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई उम्मीद है आपकी, उस उम्मीद को आपको नहीं खोना है गाइस, उम्मीद पर दुनिया कायम है। रिलीज करो पास्ट की एनर्जी से खुद को, और उम्मीद को नहीं हारना है, अपनी मेहनत को आपको जारी रखना है। आपकी जो आज करंट सिचुएशन है ना, वो आपको बहुत हेल्प कर रही है, बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है कि आप खुद को इम्प्रूव करें। कोई आपको गाइड कर सकता है, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग कोई आपको गाइड भी कर सकता है। बैलेंस करना पड़ेगा आपको खुद को, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कोई सवाल है जो जरूरत है करने की, ठीक है, आपके मन में कई दिनों से कोई सवाल है, किसी को पूछना चाहते हो, सवाल करते रहो, आंसर्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत ब्लेसिंग भेज रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो, आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हो, उस ब्लेसिंग को आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। खुद को आपको तैयार रखना है ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए। कुछ किताबें पढ़ रहे हो या किताबें पढ़ने जरूरी है, पढ़ाई स्टूडेंट हो सकते हो आप में से कुछ लोग, पढ़ाई करना जरूरी है। कुछ हिडन सीक्रेट हो सकते हैं, कोई और आपसे छुपा रहा है या आप किसी और से छुपा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है आपको। सुनो, सुनने की क्षमता आप में होनी चाहिए, ठीक है, ये बात है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।